नमस्कार भाई लोग, नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने सम्मन किया है। ईडी बोले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया है 200 करोड़ के फ्रॉड के केस में। 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, जिसमें कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ कर रही है। अब बात यह है कि कल जो बीता है उसमें नोरा फतेही गई थी ईडी ऑफिस, और आज प्रवर्तन निदेशालय जाना है या गई होंगी विजयादशमी के दिन जैकलिन फर्नांडिस। अब ये दोनों हीरोइन हैं, नाचती हैं, गाती हैं, सिनेमा में काम करती हैं, विज्ञापन करती हैं, उनसे जो पैसे मिलता है वो भी करोड़ों में होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर ये 200 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, उससे इनका क्या लेना देना है। हाँ भाई लोग, जरा सोचिए। अब आप, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके घर में भी जाके ये नाच गा लेती हैं, ये कुछ भी करती हैं। अब ये जो है ईडी डिपार्टमेंट जो है, उसका जो काम ही है कि फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट उसकी देखरेख करती है, फेमा की। तो फॉरेन एक्सचेंज से जो डीलिंग होता है उसकी देखरेख करती हैं, वही फेमा होता है। बड़े खतरनाक कानून है भाई, और उसके तहत इन दोनों को सम्मन किया गया है। इनका क्या मतलब है भैया इन 200 करोड़ से? किस व्यापारी को इन लोगों ने ठग लिया? तो अब है कि नोरा फतेही हो या जैकलिन फर्नांडिस हो, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्यों करेगी इतने स्ट्रगल के बाद? तो लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग तो विदेश से ही होता है ना, और दोनों तो इसे विदेशी हैं, लेकिन विदेशी तो बहुत सारे हैं, इससे क्या मतलब है? ये जो नोरा फतेही हैं वो कैनेडियन सिटीजन है ना, लेकिन इनका जो रूट है वो अरब से है। ये मुसलमान हैं, नाचती हैं, गाती हैं, एड फिल्म करती हैं, फिल्में करती हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। अच्छा है किसी मौलवी की नज़र इन पर नहीं पड़ी है, नहीं तो इनका वो छोटे कपड़े बिकनी उकनी और वो डांस उंस दे करके तो खैर। और ये जो जैकलिन हैं वो बहरीन की हैं, श्रीलंका की सिटीजन हैं। 2006 में जैकलिन मिस यूनिवर्स श्रीलंका हुई थी, 2009 में बॉलीवुड का हिस्सा बन गई थी। तो 2006 से इसका स्ट्रगल है, 2004 से 5 से जैसे जब से स्ट्रगल हो, 2009 में ये बॉलीवुड आ गई। और सलमान खान की हीरोइन के रूप में तो अच्छी तरीके से जानी जाती है, यानी कि 12 सालों से तो बॉलीवुड में है। 34-35 साल की महिला है और ये नोरा फतेही अब 30 की हुई हैं। अब इनके ऊपर 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब शक है कि ये भी हिस्सा थी उसकी। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली किया किसने? उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। ये कौन मैन है? कौन मैन बोले तो एक ऐसा आदमी जो अपनी लच्छेदार बातों से आपको फंसाता है, आपको अपने आकर्षण के जाल में लेता है, आपसे ऐसा वादा करता है कि आप अपनी संपत्ति उसके ऊपर न्यौछावर करना शुरू कर देते हैं। अब तक का सबसे बड़ा कॉनमैन धरती का हुए हैं आचार्य श्री भगवान रजनीश ओशो। मतलब अपना लोगों ने इतने डॉलर उनके ऊपर निछावर किए कि अपना एयरपोर्ट, अपना 123 रॉल्स-रॉयस गाड़ियाँ, अमेरिका के ओरेगन से पूरा सिटी बसा लिया था। खैर, तो ये उसके बाद हजारों लाखों कौन मैन हैं, जिसमें कि एक सुकेश चंद्रशेखर हैं। ये सुकेश चंद्रशेखर द बाटला हाउस एक्टर के रूप में फेमस हैं, और इनकी पत्नी है लीना मारिया पॉल। बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, उतना बड़ा नाम नहीं हो सका, लेकिन कुछ फिल्मों में द मद्रास कैफे समय काम किया है। और ये भी गिरफ्तार कर ली गई हैं द कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी होने के नाते। ऐसा आरोप है, ऐसी शंका है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये साथ ही रही हैं 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में। अब क्या है कि वो रोहिणी, दिल्ली के रोहिणी के जेल में सुकेश जी हैं, फिर तिहार भी गए थे और उनकी पत्नी जो है वो भी तिहार में जाती रही हैं। मतलब रखते हैं वो लोग, कभी जहाँ जहाँ पूछताछ होती है वहाँ ले जाते हैं, ले आते हैं ईडी वाले जेल से, उधार लेते हैं सुकेश को, उनकी पत्नी लीना को, पूछताछ करते हैं, हो जाता है, फिर वापस कर देते हैं। ये मुद्दा चल रहा है, बहुत ही गहराया हुआ है भाई साहब। 200 करोड़ की उगाही के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉल ईडी के हिरासत में है। आज उसी मामले में नोरा फतेही को
पूछताछ के लिए बुलाया गया। सर, नूरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया, क्या मामला था? नूरा फतेही को समन देखे बुलाया गया है। मामला क्या है वो सब जुडिस है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उस पर अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता। में कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका भी सामने आई है कॉल कराने में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। दो पुलिस ऑफिशियल इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, उसके अलावा काफ़ी अंडर स्कैनर हैं, काफ़ी टर्मिनेट हुए हैं, वो भी मैटर सब जुडिस, अभी कमेंट करना ठीक नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा आज भी रो रही है और ये बॉलीवुड को उसके पाप की भरपाई करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल देशमुख गायब है, पुलिस अफसर सचिन वाजे जेल में, मुकेश अंबानी के घर के आगे, एंटेलिया के आगे बम रखने और हिरेन मनसुख साहब की हत्या का आरोप है उसके ऊपर, और सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर महाराष्ट्र का पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर फरार है। नूरा फतेही जैकलीन ईडी के संबंध में जा रही हैं। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान नशे के कारण गिरफ्तार हुआ जेल में, सबका पाप सामने आ रहा है। कर्मा है, जैसा कर्म किया है लोगों ने उसे तो भुगतना ही होगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हां भैया, वो कौन बिजनेसमैन है जो इस कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर के आकर्षण में आ गया? ऐसा कौन सा फेंका उसने, नोड़ा को फेंका, ये जैकलीन को फेंका, या क्या किया जो बिजनेसमैन 200 करोड़ लूटा बैठा? कौन है वो बिजनेसमैन, कौन है भाई, हम बताएंगे, अभी लोग नहीं बता रहे। 200 करोड़ भी गया और इज्जत भी गई भैया, मतलब 200 करोड़ कमाने के लिए माथा था, लुटाने के लिए माथा गायब, फेल। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल दबा दीजिएगा, जिससे कि हम कुछ करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम तो राष्ट्रीय चैनल हैं, नेशनलिस्ट हैं, जब भी विदा लेते हैं तो कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस।